दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ जो घंटी का आइकन दिख रहा है इसको भी इनेबल कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं। सो बी द फर्स्ट वन टू वॉच माय फ्यूचर वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। या दोस्तों आप फेसबुक को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आईडी डीएक्टिवेट करने से सिर्फ आईडी डीएक्टिवेट थी, यानी कि फेसबुक के पास उसका सारा डाटा सेव होता है और आप किसी टाइम भी चाहें तो उस आईडी को दोबारा डीएक्टिव कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड में आपको मुकम्मल तौर पर डिलीट कर सकते हैं, यानी फेसबुक से उसका तमाम बैकअप भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको अपनी उस आईडी में लॉगिन होना है जिस आईडी को आपको डिलीट करना है। तो ये एक ब्राउजर बेस्ड ट्रिक है, तो हर एक प्लेटफॉर्म विंडोज मैक एंड्रॉइड और iOS सब में चलेगी। तो आपको मैं दिखा दूंगा, आप अपने वेब ब्राउजर में जाएंगे और वेब ब्राउजर में जाके अपनी उस आईडी में लॉगिन होंगे जहाँ पे जिसको आपने डिलीट करना है। तो उसके बाद आपने अपने फेसबुक सर्च बार में जाके यहाँ पे देखें, अभी ये आपने टाइप कर देना है या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक भी मिल जाएगी और चाहे तो आप खुद भी टाइप कर सकते हैं। तो इस लिंक में जाने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगी। तो ये ऑप्शन कह रही है कि आपको डिलीट अकाउंट करना है, तो आप यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। डिलीट माई अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपना पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एंटर करना होगा। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको ये कैप्चा बहुत केयरफुली एंटर करना होगा, क्योंकि यूजुअली तौर पे कैप्चा बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं और आपको परेशानी होती है इसको हल करने में। तो इसको आप जितना टाइम लें उतनी जल्दी आप इसको, यानी कि आप ज्यादा टाइम लें और इसको आराम से सॉल्व करें। जैसे ही मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मैं इसको ओके क्लिक करता हूँ, तो ये आपको मैसेज दे देगा कि आपके अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। और अगर आपका अकाउंट 14 दिन तक डीएक्टिवेट रहा तो आपके आईडी जो है वो मुकम्मल तौर पर डिलीट हो जाएगी। तो आपको ऐसा करना होगा कि 14 दिन तक आपको अपनी इस आईडी में लॉगिन नहीं होना होगा और आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। तो अगर आपको ये ट्रिक हेल्पफुल साबित हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और उन दोस्तों का शेयर करें जो बहुत ज्यादा फेक आईडी बनाते हैं, उनको डीएक्टिवेट कर देते हैं, उनको ये मेथड बताएं ताकि वो इसको डिलीट करने आपको भी आगे आने में मुश्किल ना हो। बाकी इसको अपने दोस्तों का शेयर करें, लाइक करना मेरी इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।